बारिश के मौसम में हो चाय की गर्माहट, पकोड़ों का तलना और आपके आने की आहट। हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे बरसात भी होते होते थमने का नाम नहीं ले रही, वैसे ही हम भी पकोड़े बनाते बनाते रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर से शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी, और साथ ही बनाएंगे एक झटपट बनने वाली चटनी भी। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, इस बरसात के मौसम में भला चाय को क्यों अकेला छोड़े, बनाते हैं ये गर्मा गर्म पकौड़े। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। प्याज और आलू के पकोड़ा या बोंडा बनाने के लिए हम ले लेंगे प्याज और आलू। तो यहाँ पर चार मीडियम साइज के पतले और लंबे कटे हुए प्याज ले लें और इन्हें इस तरह क्रश कर लें, इससे इनकी जो कलियाँ हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए प्याज ऐसे बिखर गए हैं, तो इससे बोंडा बनाना आसान रहेगा। अब हम ले लेंगे आलू। तो जितने हमने प्याज लिए हैं उतने ही हमने आलू लिए हैं। आलूओं को भी इस तरह पतला और लंबा काटें और साथ ही इन्हें 3-4 बार पानी से धो लें ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। ऐसा करने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब इन आलूओं को भी हम क्या करेंगे, बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इनमें 1-2 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हम इस तरह से पकौड़े बनाते हैं तो फिर हमें भरपूर मात्रा में इसमें बेसन मिलाना पड़ता है, इससे प्याज आलू का स्वाद कम और बेसन का स्वाद ज़्यादा आता है। और यदि हम नमक लगा कर पहले ही इन्हें छोड़ देंगे और इनका जो पानी निकलेगा उन्हें सेपरेट कर देंगे तो बेसन वगैरह का इस्तेमाल हमें कम करना होगा, तो पकौड़े ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं, तब तक हम चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें 1-2 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग डालेंगे और इन्हें भी पकने देते हैं थोड़ी देर। अब सबसे पहले इसके अंदर 1-2 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल डालेंगे। यदि आपके पास भीगी हुई या रोस्टेड चना दाल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम नारियल की चटनी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ताज़ा नारियल की जगह मैं सूखे नारियल की चटनी बना रही हूँ, इसलिए चना दाल को हम इस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। तो चना दाल को कुछ देर रोस्ट करने के बाद इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और साथ ही अपने तीखेपन के हिसाब से 1-2 हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें पकाएंगे। सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ सेकंड के लिए ही इन्हें पकाएं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जो सूखा नारियल हमने लिया था उसे इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ये सूखा है तो गर्म पैन के अंदर हल्का सा रोस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना भी नहीं है। यदि आप ताज़ा नारियल की चटनी बना रहे हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ताज़ा नारियल को अदरक हरी मिर्च के साथ ग्राइंडर के अंदर पीस लें और फिर उस पर तड़का लगा दें। तो अब नारियल के पाउडर यानी नारियल के बूरे को हमने कुछ सेकंड के लिए इस गर्म पैन के अंदर ही रोस्ट कर लिया है, इससे फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब इस मिक्स को अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाए तब हम एक ग्राइंडर जार के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यदि चटनी खट्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। चटपटी चटनी खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इसे चटपटा बनाने के लिए या तो आप इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं या फिर नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर 2-3 चम्मच हल्का खट्टा दही, इससे ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम इडली डोसा वगैरह खाते हैं तो इसी तरह की चटनी सर्व की जाती है। और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इसे लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए ले लेते हैं एक तड़का पैन और इसमें 1 छोटा चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब तेल के गरम होते ही सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई या सरसों। अब सरसों को भी इस तरह तड़कने देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और जब सरसों इस तरह से तड़क जाए यानी पूरी तरह से फूट जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच सूखी उड़द दाल। ये भिगोई हुई उड़द दाल नहीं है, कच्ची उड़द दाल ही है। और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए पका लेते हैं। दोनों चीज़ें पक चुकी हैं और पैन अभी काफ़ी गर्म है, तो अभी ये और भी पकेंगे। इससे पहले हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें जले नहीं।
और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके अंदर डालेंगे एक साबुत लाल मिर्च और साथ ही 6-7 करी पत्ता ऐड कर देंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए हम पका लेते हैं। तो तेल गर्म है तो करी पत्ता और लाल मिर्च इसी के अंदर अच्छे से पक जाएंगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है इस तड़के में से। और ये तड़का अब इस चटनी के ऊपर लगा देते हैं, इसे कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बनने वाली नारियल की चटनी है तैयार। तो जब तक आलू और प्याज ने रेस्ट किया तब तक हमने चटनी भी बनाकर तैयार कर ली है। वैसे तो आप इन बोंडों को किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी के साथ इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए अब आलू प्याज में से कितना सारा पानी सेपरेट हो गया है, तो इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक ब्लेंडर जार लेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस मान दस्ते में भी कर सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही 6 से 7 करी पत्ता तोड़कर डाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह साबुत लाल मिर्च को इसके अंदर पीस लेंगे। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जो तैयार होगी उससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है तो बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो और भी खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करके उन्हें भी कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। तो आप इसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, साबुत धनिया ऐड कर सकते हैं या सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पेस्ट अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ ही अब बाइंडिंग के लिए हम ले लेंगे कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों से ही ये पकौड़ी देखने में लाल लाल और काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। तो फिलहाल हम 2 चम्मच ही ऐड करेंगे, ज़रूरत लगी तो हम कॉर्नफ्लावर बाद में ऐड कर लेंगे। और 2 चम्मच ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, दोनों की मात्रा हम बराबर ही लेंगे। और अब इसमें खट्टेपन के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, चुटकी भर हल्दी डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें और खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो ये जो नमक के कॉन्टेक्ट में आते ही बैटर है वो काफ़ी लूज़ होने लगेगा। तो अभी देखिए हमने टोटल इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और बेसन को मिलाकर डाला है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से पकौड़ी इसकी आराम से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। लेकिन हम इससे बोंडे बनाएंगे, यानी गोल गोल जो पकौड़ी आती है ना वो बनाएंगे। तो इसके लिए 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैं इसके अंदर और ऐड कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ऐसा करने से बोंडों को शेप देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मिक्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए बहुत ही कम बेसन और कॉर्नफ्लावर का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसे और भी अच्छा क्रिस्पीनेस देने के लिए इसके अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच तेल गरम करके डालेंगे। और यदि आप गरम तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें चुटकी भर कुकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको पसंद हो। लेकिन ध्यान रखें सोडा इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, अब हम पकौड़े तल ले हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया है, जैसे ही आप मिक्स तैयार करें तुरंत ही पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे गोल गोल करके पकौड़े इसे हम बना लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह गोल बोल बना कर ही डालें, आप चाहें तो पकौड़ियों की तरह बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ही क्रिस्पी और खाने में अच्छी लगती हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। इन बोंडों की खास बात यही है कि जिस प्रोसेस से हमने इसे बनाया है इनका स्वाद तो बढ़कर आता ही है। इससे क्या होता है कि प्याज और आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें आता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि प्याज और जो आलू होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को रिलीज़ करते हैं, उससे बैटर काफ़ी पतला हो जाता है और हमें ज़्यादा मात्रा में उसमें बेसन मिलाना पड़ता है। और इस तरह से बनाने पर हमें आलू और प्याज का भरपूर टेस्ट पकौड़ों में मिलता है। तो ये एक बैच हमने तैयार कर लिया है, देखिए बहुत ही टेस्टी करारे सुंदर पकौड़े बनकर तैयार हैं। और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह गोल बोल बनाकर मैं इन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हैं और नारियल की चटनी हमने पहले ही तैयार कर ली है। तो दोस्तों अब आप भी इस बरसात के मौसम में ये गर्मा गर्म करारे करारे पकौड़ों का मजा उठाएं। और कैसे बने आपके पकौड़े मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।